इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या इमरान खान और मरियम नवाज एक पेज पे आ गए? नून लीग की नायब सदर ने सैनिक इलेक्शन में शो ऑफ हैंड की हिमायत कर दी। वोटिंग का तरीकाकार तब्दीली पर वजीर आजम को भी निशाने पे रखा, कहा इमरान खान चीफ जस्टिस बनने की कोशिश ना करें, आईन में तरमीम नहीं कर सकती। पीडीएम जलसे पे इमरान खान स्ट्रेस में थे, उन्हें इतना खौफ है कि अपने अरकान पे भी एतबार ना रहा। लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना हो सकता है। इंसान मुझे कहीं किसी डॉक्टर का दिखा दें कि उन्होंने मना किया हो कि जो प्लेटलेट्स का या दिल का मरीज है वो कभी कभार पिज्जा नहीं खा। हंगामा है क्यों बरपा, पिज्जा ही तो खाया है। नवाज शरीफ के पिज्जा खाने के सवाल पर मरियम नवाज गुस्सा कर गयी। पिज्जा खाने में कोई बुराई नहीं, पहले कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद करने वाली मरियम अब कहती है मजीद किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं। ने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की जरूरत है जिन्होंने किया था। ओपोजिशन सेनेट इलेक्शन में छांगा मांगा की सियासत चाहती है। शो ऑफ हैंड के तरीकेकार से मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज इसलिए परेशान हैं। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर का ट्वीट, कहा राजकुमारी ने झूठ के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। लंदन के महलात में बैठे शाही खानदान के अफराद पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। फिर दोस्त आशिक अवान की भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर तनकीद, कहा आला अदलिया ने इमरान खान को और अमीन करार दिया।